Hello learners, welcome back to an academy. Let's crack CLAT-PG. This is Manjri Singh, your CLAT-PG educator. Constitutional law, आप सबको पता है एक बहुत important subject है CLAT-PG की journey में. Since CLAT-PG 2025 का paper आपका upcoming December में होगा, क्योंकि हमेशा ये paper अब से पिछले 2-3 सालों से आपका ये paper December में होने लगा है, cycle change हो चुकी है, जिसका notification आप जुलाई से देख सकेंगे. तो सिंस मैंने कहा कि कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है क्लैट पीजी के लिए, क्योंकि ये अच्छा खासा वेटेज रखता है, तो इसके लिए एक स्ट्रेटजी अलग से जरूरी थी आप सबको बताने के लिए कि आप किस तरीके से कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ की प्रिपरेशन इन बचे हुए 8 महीने में कर सकते हैं, क्योंकि ये सब्जेक्ट बहुत इम्पोर्टेंट है ना सिर्फ क्लैट पीजी के लिए, ऑल्सो ये सब्जेक्ट आपके हर एक एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट होता है जो भी आप LLB के बाद देते हैं. एंड LLB में रहो तो भी उसकी इम्पोर्टेंस आप जान ही रहे होंगे, क्योंकि एक बेसिक सब्जेक्ट है कॉन्स्टिट्यूशन, जिसकी वजह से आपको बाकी सब्जेक्ट्स की अंडरस्टैंडिंग डेवलप होती है. तो कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ को तो जब भी आप पढ़ो तो वो सिर्फ एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपको नहीं पढ़ना चाहिए, रादर आपको एक नॉलेज के पर्पज से पढ़ना चाहिए कि इससे मुझे काफ़ी हद तक नॉलेज गेन होगी जो मेरी बाकी अंडरस्टैंडिंग में लॉ की जर्नी में मुझे हेल्प करेगी. तो आई होप आप समझ पा रहे होंगे कि आज के वीडियो में हम किस बारे में बात करने वाले हैं. बिफोर स्टार्टिंग विद द सेशन, मैं आपके लिए बहुत बड़ी गुड न्यूज लेकर आई हूँ. जी हाँ, स्पेशली फॉर IIT JEE एंड नीट UG के स्टूडेंट्स के लिए अन अकेडमी ला रहा है आरंभ 2024. ये बिगेस्ट इवेंट होने वाला है IIT JEE और नीट UG के स्टूडेंट्स के लिए, लेकिन बाकी कैटेगरी के स्टूडेंट्स के लिए भी एक अच्छा मौका है. भले उनके लिए कुछ स्पेशल होने वाला हो, लेकिन आपके लिए भी आगे चल के कुछ ना कुछ जरूर स्पेशल होगा, तो आप इसका हिस्सा बन सकते हैं. यहाँ पे आपको इंडिया के टॉप एजुकेटर्स, सेलिब्रिटीज एंड टॉप रैंकर्स आपको एक ही जगह पर मिलेंगे. 4 बिग रिवील्स होंगे यहाँ पर, एक स्टेज होगा एंड इनफाइनाइट पॉसिबिलिटीज. बिग अनाउंसमेंट्स काफी होने वाली है उस दिन कई कैटेगरीज को लेके. आई होप समझ पा रहे होंगे आप कि ये इवेंट आपके लिए कितना इम्पोर्टेंट हो सकता है. लाइव रहेगा अन अकेडमी पे, यूट्यूब के सेशंस पे, एंड देन 7 अप्रैल संडे के दिन ये इवेंट आपका होने वाला है दोपहर 1 से 3 बजे तक. मैं थोड़ा सा और रिवील आपको करने वाली हूँ चीज़ों को. जी हाँ, अगर मैं सेलिब्रिटीज की बात करूँ तो ये इस बिगेस्ट इवेंट में आपको मिलेंगे करण जौहर, ठीक है, लाइव होगा अन अकेडमी स्पॉटलाइट पे. देन कार्तिक आर्यन, थर्ड आपको सानिया मिर्जा भी यहाँ पे मिलेंगी, एंड देन अनुपम मित्तल. जो लोग भी शार्क टैंक देखते होंगे उनको अनुपम मित्तल के बारे में बहुत अच्छे से पता होगा. तो इन सब से बातचीत करने का मौका मिलेगा, इंस्पिरेशन मिलेगी. IIT JEE और नीट UG के लिए सबसे डिफरेंट थिंग है, उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन बाकी कैटेगरी के स्टूडेंट से भी मैं कहूंगी कि आप डेफिनेटली इसको ज्वाइन करिए, क्योंकि आपकी कैटेगरी के लिए भी अनाउंसमेंट हो सकती है. काफी बिग अनाउंसमेंट्स रहेंगी एंड फर्दर इन फ्यूचर जरूर कुछ ना कुछ आपके लिए भी सरप्राइज आएगा. अब हम बात कर लेते हैं कि अगर आप CLAT-PG 2025 टारगेट कर रहे हैं, LLM का एंट्रेंस एग्जाम आप देना चाहते हैं नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी में एंटर करने के लिए, तो हमारा नया बैच लॉन्च हो चुका है. जी हाँ, पहले से हमारा पुराना बैच चल रहा था, लेकिन नया बैच हमने लॉन्च किया है कि अब से अगर कोई बच्चा स्टूडेंट तैयारी करना चाहता है स्टार्टिंग फ्रॉम जीरो, तो उनके लिए लॉ एलिवेट बैच हम लेकर आए हैं. इस बैच में भी हम एक कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स आपका कवर करेंगे, सारे सब्जेक्ट्स को कवर करेंगे, CLAT-PG के पॉइंट ऑफ व्यू से जो भी इम्पोर्टेंट होता है उन सब का डिस्कशन होगा. 250+ लाइव क्लासेस आपको यहाँ पे मिलेंगी, स्पेशल क्लासेस आपको मौका मिलेगा उनको देखने का फ्री ऑफ कॉस्ट में. साथ ही साथ हम आपको यूट्यूब सेशंस करवाएंगे आप जिनको अटेंड कर सकते हो. 15+ फुल लेंथ मॉक टेस्ट सीरीज अवेलेबल होंगी, जिनकी वजह से आपकी प्रिपरेशन बहुत बूस्टअप हो सकती है. अगर आप इंटरेस्टेड हो इस बैच को परचेज करने में तो डोंट फॉरगेट टू यूज माई कोड MSINGH10, एंड फर्दर डिटेल्स के लिए आप इस नंबर पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं. CLAT-PG प्लस प्रोग्राम के बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं, डेली लाइव क्लासेस होती हैं, लाइव टेस्ट एंड क्विजेस होते हैं, स्ट्रक्चर्ड कोर्स होता है, एंड इन क्लास PDF हम प्रोवाइड करते हैं, डेली केस एनालिसिस हमारी क्लासेस में होता है, एंड साथ ही साथ इन क्लास डाउट सॉल्विंग सेशंस होते हैं. अन अकेडमी पे मैं कॉन्स्टीशिप की सीरीज चलाती हूँ फ्री ऑफ कॉस्ट. जो लोग बैच नहीं परचेज करते हैं वो भी इन क्लासेस को अटेंड कर सकते हैं फ्री में. ये स्पेशल लाइव फ्री क्लासेस होती हैं जो कि सुबह 11 बजे नहीं 11:30 बजे
ठीक है, 11:30 बजे ये मैं क्लास लेना स्टार्ट कर चुकी हूँ। पहले ये 7 बजे शाम को होती थी, अभी ये 11:30 बजे वेंसडे टू सैटरडे आपकी क्लासेस हो रही हैं। इसमें आपको बहुत सारे सब्जेक्ट्स मिल जाएंगे जो भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, आप उनके प्रैक्टिस सेशंस दे सकते हैं, आप जजमेंट्स देख सकते हैं, एंड आगे चल के हम लोग केस स्टडी पे भी बात करेंगे। क्यूआर कोड आपको स्कैन करना है, आपको सारी क्लासेस का एक्सेस यहाँ से मिल जाएगा। अगर आपने हमारा टेलीग्राम चैनल अभी तक नहीं ज्वाइन किया है तो ये रहा क्यूआर कोड, इसको स्कैन करके ज्वाइन करिए, सारी अपडेट्स आपको इस पर मिलती रहेंगी। अब हम स्टार्ट करते हैं आज का सेशन, आखिर 8 महीने की क्या स्ट्रैटेजी हो सकती है कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ के लिए, क्योंकि मैंने कहा ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, इसका वेटेज अच्छा खासा है। तो पहले तो हम डिस्कस कर लेते हैं कि इसका वेटेज कितना है एंड ये इसका पैटर्न क्या है, कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ पूछा कैसे जाता है। तो वेटेज ऐसा है कि आप 30 से 40 क्वेश्चंस एक्सपेक्ट कर सकते हो। अब सिंस आपको पता होगा कि क्लैट पीजी 120 क्वेश्चंस टोटल पूछता है, लेकिन उस 120 को वो कितने पैराग्राफ्स में डिवाइड करेगा, पैसेजेस में डिवाइड करेगा, ये वो कभी नहीं बताते हैं। कभी कभी उन्होंने 10 क्वेश्चन एक पैरा पूछा है, कभी उन्होंने 20 पैसेजेस में कर दिया उसको, कभी उन्होंने 24 पैसेज में कर दिया। तो इसीलिए आप प्रिपेयर रहेंगे यहाँ पर, कितने भी पैसेज पूछे जा सकते हैं। ज्यादा पैसेज होंगे तो एक पैसेज में नंबर ऑफ क्वेश्चंस कम हो जाएंगे, और अगर कम पैसेज होंगे तो एक पैसेज में नंबर ऑफ क्वेश्चंस ज्यादा हो जाएंगे। लेकिन क्या इससे वेटेज पे फर्क पड़ता है कि कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ कितना आएगा? नहीं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ के क्वेश्चन आप आराम से 30 से 40 एक्सपेक्ट कर सकते हैं, मिनिमम आप मिनिमम 30 अराउंड तो समझो ही, क्योंकि इस बार भी जो पेपर आया था उसमें हमने 3 से 4 पैराग्राफ्स देखे थे कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ के। तो आप इस तरीके से 3 से 4 पैसेजेस, अगर मैं हमें एक आइडल पैराग्राफ जो मैं समझती हूँ कि 1 पैसेज फॉलोड बाय 10 क्वेश्चंस, ये मेरा एक आइडल है, ठीक है। एंड जो आइडल होता है वो उनके लिए आइडल हो कि ना हो ऐसा तो जरूरी नहीं है। तो इसलिए मेरे कहने का मतलब ये है कि आप प्रिपेयर रहिए कि किसी भी तरह के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, कितनी भी पैसेजेस पूछे जा सकते हैं। नाउ व्हाट इज द पैटर्न विच दे फॉलो व्हाइल आस्किंग अबाउट द कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ? तो आपको मैंने ये तो बता दिया कि पैसेज होता है और क्वेश्चन होता है, लेकिन ये पैसेज आखिर किस टॉपिक से रिलेटेड होता है? तो सिंस आपका क्लैट पीजी बात करता है रीसेंट केस स्टडी की, तो रीसेंट केस स्टडी तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसा कि मैंने यहाँ पे कंटेम्प्रेरी लिखा हुआ है, तो हो सकता है कि जो रीसेंट में केस लॉज वगैरह हैं वो आपसे पैराग्राफ में पूछ लिए जाएं, लेकिन उसके बाद जो क्वेश्चंस होते हैं, वो क्वेश्चंस आप देख सकते हो कि ट्रेडिशनल पार्ट से पूछा जा सकता है। क्योंकि हम लोग जब भी किसी टॉपिक को कॉन्स्टिट्यूशन में पढ़ते हैं तो हम लोग उसके पूरे कंसेप्ट को क्लियर करते हैं। अब फॉर एग्जाम्पल, अगर मान लीजिए हाल ही में कोई फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन पे कोई केस आया हुआ है, तो ऑब्वियस सी बात है कि 19(1)(a) का जो पूरा कॉन्सेप्ट है वो आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाएगा अलोंग विद द लैंडमार्क केस लॉज, क्योंकि फिर आपसे क्वेश्चंस में वो पुराने जजमेंट्स पूछे जा सकते हैं। तो इसीलिए जब भी आप कोई टॉपिक को पढ़ें तो आप उसको पूरा हिस्ट्री से लेकर रिसेंट तक पढ़ें, रिसेंट में जो भी न्यूज में चल रहा है आप उसको पढ़िए, एंड देन उससे आप पुराना स्टैटिक टॉपिक पे जाइए कि आप कौन से टॉपिक को कवर कर सकते हो। क्योंकि आज की डेट में हम किसी भी एग्जाम की बात करें तो रीसेंट से ही पेपर बनता है, रीसेंट से ट्रेडिशनल की तरफ जाते हैं कि हाँ ठीक है आज की डेट में क्या चल रहा है एंड उस पे पुरानी नॉलेज में क्या अवेलेबल है। तीसरा जो तरीका है वो ये है कि अदर लॉज के साथ कंबाइन करके कॉन्स्टिट्यूशन को पूछा जा रहा है। अभी मैंने स्टार्टिंग में वीडियो के कहा कि आप कॉन्स्टिट्यूशन की इंपॉर्टेंस को समझते हो, क्योंकि ये पेपर बहुत बेसिक होता है। बेसिक इन द सेंस मेरा कहने का मतलब ये है कि ये रूट होता है बाकी अदर लॉज के लिए। आपका कॉन्स्टिट्यूशन बहुत क्लियर होना चाहिए, अगर आपका कॉन्स्टिट्यूशन क्लियर है तो आपको अदर लॉज को समझने में काफी मदद मिल जाती है। कॉन्स्टिट्यूशन आना चाहिए, तो कॉन्स्टिट्यूशन आना चाहिए तो इसको इसके साथ एक खासियत भी है, ये बाकी सब्जेक्ट के साथ बहुत आसानी से मोल्ड हो जाता है। किसी भी सब्जेक्ट के साथ आप इसको कॉम्बिनेशन में रख दोगे तो इससे आंसर आप कर सकते हो। जैसे सीआरपीसी में कई जगह है कि कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेट करके हम लोग पढ़ते हैं, तो हो सकता है कई बार ऐसा पैराग्राफ आए जो सीआरपीसी कम कॉन्स्टिट्यूशन हो एंड उसमें क्वेश्चन भी आपको सीआरपीसी कॉन्स्टिट्यूशन के मिला के पूछ लिया जाए। इन्वायरमेंट का टॉपिक आर्टिकल 21 कॉन्स्टिट्यूशन का बहुत रिलेट करता है, उसमें पूछा जा सकता है। तो यू नेवर नो आपसे किस तरीके से कब पूछा जाए। एविडेंस, एविडेंस में हम जब बात करते हैं कि विटनेस के अगेंस्ट,
जो भी यूज किया जा रहा है एविडेंस, क्या उसके अगेंस्ट यूज किया जा सकता है, तो वो हम लोग आर्टिकल 20 क्लॉज 3 से करते हैं रिलेट। ठीक है, तो इस तरीके से कॉन्स्टिट्यूशन आपका हर सब्जेक्ट में आता है, तो कंबाइन करके दूसरे लॉज के साथ पूछा जा सकता है। तो 30-40 तो मैंने वो रेशियो आपको बताया पूरा मिला के, कि अलग से पैसे जाया वो तो है ही इंक्लूडेड, लेकिन अदर लॉज में भी कहीं ना कहीं आपसे कॉन्स्टिट्यूशन का कोई ना कोई सवाल पूछ लिया जाएगा। तो बी प्रिपेयर्ड कि आप जब भी कोई अदर लॉ पढ़ते हैं तो अगर उसमें कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड कुछ भी आता है तो देन एंड देयर आप कॉन्स्टिट्यूशन से कनेक्ट करके उसको क्लैरिफाई कर लिया करिए। ये हो गया वेटेज एंड पैटर्न। नाउ अब हम बात करते हैं कि आप सिलेबस को डिवाइड कैसे करोगे 8 महीने में। ठीक है, 8 महीने में डिवाइड कैसे करना है, तो ये मत समझना कि कुछ महीने में पढ़ के कॉन्स्टिट्यूशन रख देना है। कॉन्स्टिट्यूशन एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसको मैं आपसे कहूंगी कि पूरे 8 महीने पढ़ो, इसके साथ आप बाकी सब्जेक्ट्स को कंप्लीट करते चलो। ऐसा तो नहीं होता होगा कि कोई बच्चा पूरा सब्जेक्ट सुबह से लेकर शाम तक एक ही सब्जेक्ट पढ़ता होगा। डेफिनेटली आप थोड़ा मूड फ्रेश करने के लिए सब्जेक्ट्स को चेंज करते होंगे। तो आप अपने सिलेबस को 8 महीने में डिवाइड करिए। अब सबसे पहले आपको गौर किस पे करना है, आपको कोशिश करनी है कि मेजर टॉपिक जो आपसे प्रीवियसली पूछे गए हैं आप पहले उसको कवर कर लीजिए। ठीक है, उसको कवर करने से क्या होगा, क्योंकि वही बात है कि 8 महीना भी बहुत नहीं होता है, क्योंकि आप सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन नहीं पढ़ने वाले हो 60 महीने में। सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ना होता तो आप A to Z कर सकते थे, शुरू से आप शुरू करते हैं लास्ट तक खत्म करते हैं। लेकिन आपको और भी सब्जेक्ट्स इसके साथ कवर करने हैं, आपको रीसेंट केस लॉस पे भी ध्यान देना है। तो मेजर टॉपिक्स आपसे जो पूछे गए हैं आप मतलब इंपॉर्टेंट चीज पे फोकस करो, आप एक लाइन में उन चीजों पे फोकस करते हुए अपने कोर्स को कंप्लीट करो। मेजर टॉपिक्स जो आपसे पहले पूछे जा चुके हैं पहले आप उनको कंप्लीट करिए। ठीक है, जैसे 19(1)A है, 21 है, 14 है, आर्टिकल्स की बात में कर रही हूँ, आर्टिकल 13 हो गया, लेजिस्लेटिव रिलेशन जो सेंट्रल स्टेट के बीच में उन पर जो डॉक्ट्रीन्स है वो पूछी जाती हैं, जुडिशियल रिव्यू में आपके फिर आर्टिकल 13 में जो आपकी डॉक्ट्रीन्स होती हैं वो पूछी जाती हैं, इम्पॉर्टेंट है, एमरजेंसी का कंसेप्ट इम्पॉर्टेंट है, ट्रेड एंड कॉमर्स का कंसेप्ट इम्पॉर्टेंट है, आपका फिनेंशियल रिलेशन पे भी कई बार देखा गया है कि पूछा गया है। तो इन दैट केस आपको कुल मिला के एनालाइज करना है अपने प्रीवियस ईयर पेपर्स को कि कौन कौन से टॉपिक हमसे प्रीवियसली पूछे जा चुके हैं। आपसे मेजर टॉपिक जो प्रीवियसली पूछे जा चुके हैं आप उनको कवर अच्छे से यहाँ पे कर सकते हो पहले, तो आपके एक अच्छा खासा पोर्शन कवर हो जाएगा। फिर सेकेंड आपको फोकस करना है कंटेम्प्रेरी इशूज पे, कंटेम्प्रेरी की रिसेंट में, रिसेंट मेरा कहने का मतलब है पिछले एक साल में कौन सी चीजें न्यूज में रही हैं। ठीक है, उन सब टॉपिक्स पे फोकस करिए। जैसे आजकल इलेक्शन चल रहा है तो इलेक्शन से रिलेटेड जितना भी आप कॉन्स्टिट्यूशन में पढ़ते हो, ठीक है, चाहे वो इलेक्शन कमीशन हो, चाहे वो आपका एंटी डिफेक्शन वाली चीजें भी थोड़ी बहुत तो रिलेट होती है ना, पार्टी रिलेटेड थिंग्स है ना, वो पढ़िए। फिर और भी चीजें होती हैं पार्लियामेंट से रिलेटेड, पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस, ये टॉपिक्स पढ़ लो, इलेक्टोरल बॉन्ड्स के बारे में पढ़ो। तो कंटेम्प्रेरी इशूज जो भी, सीएम चीफ मिनिस्टर को जेल हुई है तो आप चीफ मिनिस्टर के बारे में पढ़िए, आप जो है यूटी के बारे में पढ़िए, यूनियन टेरिटरी कैसे एडमिनिस्टर वहाँ पे ल्यूटिनेंट जनरल कैसे एडमिनिस्ट्रेटर करता है, वो सारी चीजें पढ़िए। तो इस तरीके से आपको रिसेंट में जो भी कंटेम्प्रेरी इशूज चल रहे हैं उसकी एक बेटर अंडरस्टैंडिंग आपको हो पाएगी। ठीक, जब आप वो रिसेंट पढ़ोगे तो रिसेंट से फिर आप क्या करेंगे, अगेन आप पुराने टॉपिक्स पे जाओगे। रिसेंट में जो भी हम पढ़ रहे हैं, जैसे चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल को जेल हुई लेकर पॉलिसी स्कैम के केस में, हमने ये पढ़ लिया, अब हम जाके चीफ मिनिस्टर के बारे में पढ़ेंगे। अब हम देखेंगे कि क्या कोई चीफ मिनिस्टर होते हुए किसी को जेल हो सकती है या हुई है, कैसे फंक्शन करेंगे, ये सारी चीजें हम लोग फैक्चुअल बेस पे जाके चेक करके पढ़ सकते हैं। फिर थर्ड आपको मिसलेनियस टॉपिक्स को कवर करना है। अब ये दोनों चीजें कवर करने के बाद जो आपका छूट गया है मिसलेनियस टॉपिक्स आपके कॉन्स्टिट्यूशन में, कि कोई ऐसा टॉपिक है जो आपको इम्पोर्टेंट लग रहा है लेकिन आप कवर नहीं कर पाए हो क्योंकि रीसेंट न्यूज में भी नहीं था और मेजर टॉपिक्स में भी नहीं था, लेकिन आपको लग रहा है कि हाँ ये तो इम्पोर्टेंट है मुझे पढ़ना चाहिए, तो डेफिनेटली यू कैन गो थ्रू दिस। तो इस तरीके से आपको पूरे 8 महीने में सिलेबस को कवर करना है। ठीक है, इसको वन बाय वन करेंगे, इसको आप साथ में मत करिएगा क्योंकि आप कहीं ना कहीं कंफ्यूज हो जाएंगे। आप मेजर टॉपिक्स, हाँ आप ये कर सकते हो कि जब आप मेजर टॉपिक्स कवर कर रहे हो जो प्रीवियसली पूछे गए हैं, अगर उसमें से रिसेंट में कुछ हुआ है तो उसको अपडेट जरूर करो, अपडेट रहना जरूरी है, ये बात बिल्कुल ध्यान रखिएगा। अपडेट होने के लिए न्यूज़पेपर्स की मदद लीजिए सॉरी, एंड ऑन दी अदर हैंड ऑनलाइन पोर्टल्स की मदद लीजिए। हम मुझे बताने की जरूरत नहीं है कि आज के टाइम पर हर चीज आपके पास अवेलेबल है,
आप उन सब चीजों की मदद से अपनी खुद की मदद कर सकते हो। यू नीड टू प्रैक्टिस द PYPs। ये ऐसी चीज होने वाली है जो पूरे 8 महीने चलेगी। 8 महीने पे आप जितने भी प्रीवियस ईयर पेपर, आई एम नॉट टॉकिंग ओनली अबाउट द क्लैट पीजी के पेपर, सिंस क्लैट पीजी का पैटर्न कुछ समय से चेंज हुआ है, लेकिन कोशिश करिए कि आप कॉन्स्टिट्यूशन के पुराने भी पेपर्स में जितने भी सवाल आए थे आप उसको भी लगाइए। आपके लिए देखिए स्टैटिक नॉलेज तो वही होने वाली है ना, फैक्चुअल नॉलेज तो कॉन्स्टिट्यूशन की वही रहेगी ना, उसमें थोड़ी ना कुछ बदल जाने वाला है। आर्टिकल 13 वही रहेगा, आर्टिकल 14 वही रहेगा, तो वो सारी चीजें तो आपकी सेम रहने वाली हैं, बस पैटर्न तो चेंज हुआ है। अब पैटर्न में भी जो पैसेज पढ़ के आपको जवाब देना है तो उसमें भी काफी चीजें होती हैं जो हमें पुरानी अडेप्ट करनी होती हैं। अगर आपकी फैक्चुअल नॉलेज क्लियर रहेगी तभी तो आप रिसेंट से कनेक्ट करके उसको पढ़ पाओगे। तो मेक श्योर कि आप क्लैट के सारे पेपर, जितने पेपर आपके क्लैट पीजी के अवेलेबल हैं आपके पास, वो लगाइए। या सेकेंड थिंग आपके लिए इम्पॉर्टेंट होने वाली है कि आप अदर जो एग्जाम्स अगर देते हैं, आप टारगेट कर रहे हैं क्योंकि आप LLM के एग्जाम देने जा रहे हैं, आप LLB पास आउट भी हो सकते हैं, तब अगर आप और सब्जेक्ट्स पे अगर ध्यान दे रहे हो तो थ्रू आउट द 8 months आप उस पर भी फोकस करिए, उन भी कॉन्स्टिट्यूशन के क्वेश्चंस पे ध्यान लगाइए, ठीक है। नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट है वो आपको आपके अटेम्प्ट्स पे रिव्यू करना है। PYPs जब आपको प्रैक्टिस करने हैं तो आपको अपने अटेम्प्ट्स रिव्यू जरूर करने हैं ध्यान से, कि आप कितना गलत करते हैं एंड आप कितना सही करते हैं। मेक श्योर कि आपको ये जरूर पता रहे, क्योंकि जब आप एनालाइज अच्छे से करोगे तभी आप आगे की प्रिपरेशन अच्छे से कर पाएंगे। कवर द क्वेश्चंस फ्रॉम एवरी पॉसिबल एग्जाम। जैसा कि मैंने कहा कि ऐसा नहीं है सिर्फ क्लैट पीजी तक आपको सीमित रहना है, आप जितने भी दुनिया भर के एग्जाम है अगर आपके पास कॉन्स्टिट्यूशन के क्वेश्चन अवेलेबल है तो आप सारे कॉन्स्टिट्यूशन के क्वेश्चन लगा डालिए। आप ये मत सोचिए, क्योंकि ऐसा यहाँ पे नहीं होने वाला है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से लगा रहे हो तो वो रिपीट हो जाएगा, ठीक है। ऐसा जरूरी नहीं है, वो टॉपिक से आपसे रिलेटेड कुछ पूछा जा सकता है जो आपने पढ़ा था, क्वेश्चन लगाया था तो आपने और डिटेल में जब पढ़ाई करी थी तो आपके लिए मदद हो गई। तो इस तरीके से हमेशा जो हम लोग पढ़ते हैं वो तुरंत का तुरंत एज इट इज आ जाए ऐसा जरूरी नहीं है, वो वाइडर पर्सपेक्टिव से हमारे लिए इम्पोर्टेंट होता है। कंटेम्प्रेरी इश्यूज की अगर मैं बात करूं तो डेली एनालिसिस इज वेरी मच इम्पोर्टेंट। डेली एनालिसिस मतलब यहाँ पे आपको एक अपडेट होना चाहिए केस लॉस का, डेली बेसिस पे क्या लीगल अपडेट्स हो रही हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ को लेके क्या नया आ रहा है, कुछ ऐसा टॉपिक आया है क्या न्यूज में जिस पे मैं स्टैटिक नॉलेज में पढ़ चुकी हूँ या मैं पढ़ सकती हूँ, इसका ध्यान रखना है। एंड कोशिश करिए आप उसका नोट्स बनाइए, कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ के लिए एक अलग से कॉपी बनाइए। जो भी रिसेंट में टॉपिक्स हो रहे हैं आप उसको जब पुराने से रिलेट करके पढ़ोगे तो जहाँ से आपने पुराना पढ़ा था, नोट्स बनाया था, वहां पर भी आप इसको स्टिकी नोट्स में चिपका के लगा सकते हो। या आप नया कहीं पे बना रहे हो तो मेक श्योर कि आप वहां पे फैक्चुअल चीजें भी थोड़ी लिख दें, एक जगह होनी चाहिए। मेरा कहने का मतलब है कि कनेक्शन आपको एस्टैब्लिश करना है, आपको ये पता होना चाहिए कि इन दोनों के बीच में एक कनेक्शन है जिसे मुझे बनाना है, क्योंकि वो कनेक्शन ही है जो आपके क्लैट पीजी के एग्जाम में पूछा जाएगा। जैसा नेक्स्ट टॉपिक मैंने लिखा है कनेक्ट विद ट्रेडिशनल नॉलेज। कवर द रीसेंट जजमेंट, जो भी रीसेंट जजमेंट्स आते हैं उसको कवर करिए, एंड उसको अगर किसी अदर लॉ से कनेक्ट करके पढ़ सकते हो तो वो भी करिए, क्योंकि यू नेवर नो कि कब कॉन्स्टिट्यूशन और IPC को जोड़ देंगे, कब कॉन्स्टिट्यूशन CRPC को जोड़ दिया जाएगा, आपको नहीं पता है। फोकस कौन से जजमेंट्स पे करना है, नंबर वन सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स पे करना है, सारे के सारे सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स पे फोकस होना चाहिए आपका, सब कुछ कवर आप करोगे जो जो आपके सिलेबस में है। और नेक्स्ट आपका फोकस हाई कोर्ट के जजमेंट्स पे होगा, लेकिन प्रोमिनेंट कोर्ट्स में, सारी कोर्ट्स की बात यहाँ पे नहीं कर रही हूँ, प्रोमिनेंट कोर्ट्स की बात कर रही हूँ, उन्हीं हाई कोर्ट के जजमेंट्स पर आप यहाँ पे फोकस करोगे। कीप ऑन रिवाइजिंग द प्रीवियस वन, एग्जैक्टली, दिस इज वेरी मच इम्पॉर्टेंट। आप जब भी कोई पढ़ाई कर रहे हो, जब आगे आप बढ़ रहे हो तो पीछे का रिवाइज करते हुए चलिए, ठीक है। आप जब भी आगे का अपना कुछ भी तैयार कर रहे हो, अब रिसेंट मान लीजिए आज कोई केस लॉ आया है, अब उसमें मान लीजिए हाई कोर्ट ने कुछ कहा, आपने वो पढ़ लिया, आपने नोट कर लिया, लेकिन अब आगे जाके मान लीजिए अपील हो गई सुप्रीम कोर्ट में, तो अब सुप्रीम कोर्ट ने अगर वहां पे डिसीजन को बदल दिया तो आपको अपडेट होना जरूरी है कि ये वही केस लॉ है जो अलाहाबाद हाई कोर्ट ने या फिर दिल्ली हाई कोर्ट ने, कोई भी हाई कोर्ट ने कुछ कहा था एंड देन उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने उसको बदल दिया। या अगर अफर्म भी किया है तो आपको ये बात पता होनी चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट ने उसको अफर्म किया है, कितनी बेंच है जिसने अफर्म किया, मतलब वो फाइनल डिसीजन हो गया जो सुप्रीम कोर्ट ने जिसपे ठप्पा लगा दिया है। क्योंकि अब अगर आपके एग्जाम में आना होगा तो फिर वो सुप्रीम कोर्ट के एस्पेक्ट में आपसे पूछेगा कि सुप्रीम कोर्ट में क्या कहा गया, फिर हाई कोर्ट के एस्पेक्ट में आपसे पूछने के चांसेस कम हो जाते हैं।
तो इसलिए खुद को अपडेट करना बहुत जरूरी है। जब भी आप कहीं पर भी केस लिखो, हाई कोर्ट वाले स्पेशली, तो कुछ जगह छोड़ दीजिए अपडेशन के लिए कि अगर आने वाले टाइम में इसमें कुछ चेंजेस होंगे तो हम कर लेंगे। अलाहाबाद हाई कोर्ट के सॉरी अलाहाबाद नहीं, हाई कोर्ट के जजमेंट सारे नहीं पढ़ने हैं, सारे नहीं पढ़ने हैं। बहुत प्रोमिनेंट जो टॉपिक्स होते हैं, जैसा कि मैंने क्या कहा प्रीवियसली, जो टॉपिक्स पूछे गए हैं तो उन टॉपिक्स से रिलेटेड आप पढ़ सकते हो, अदरवाइज नए टॉपिक्स पे पढ़ने की कोई भी जरूरत नहीं है। अगर मैं बात करूं हमारे YouTube चैनल की, तो YouTube चैनल अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो लेट्स क्रैक क्लैट पीजी ये वाला चैनल है, आप जाके इसको सब्सक्राइब भी कर सकते हो। यहाँ पर ऑलरेडी, यहाँ पे खाली कुछ केस लॉज का मैं आपको बता रही हूँ, लेकिन मैं यहाँ पर बहुत सारे ऑलरेडी जजमेंट्स को डिस्कस कर चुकी हूँ। इंडिविजुअल जजमेंट्स को भी मैंने डिस्कस किया है, नए जजमेंट जो है मैंने, पुराने लैंडमार्क जजमेंट्स को भी डिस्कस किया है, और मैंने यहाँ पे कंपाइलेशन भी डिस्कस किया है। साथ ही साथ मैंने स्टार्टिंग में आपको स्पेशल क्लास का QR कोड बताया था, स्पेशल लाइव क्लासेस, वहां पे भी आप चेक कर सकते हो कि मैंने कंपाइलेशन को डिटेल में डिस्कस किया है। तो मेक श्योर कि आप इसको जाके जरूर चेक करिए, आप इसको जरूर फॉलो करिए, आपके लिए ही बेनिफिशियल होगा अगर आप क्लैट पीजी की प्रिपरेशन कर रहे हो। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हो, ये स्पेशल क्लासेस हैं, जैसा मैंने स्पेशल क्लास का पीछे बताया था, ये तो बस कुछ चीजें हैं कि आजकल इन दिनों मैं प्रैक्टिस सेट्स यहाँ पे लगवा रही हूँ कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ के, ठीक है। बाकी आप पुराने में जाओगे, आपको बहुत सारे सेशंस मिलेंगे जिसमें आपको जजमेंट्स मिलेगा, जिसमें आपको 2020 से लेकर 2023 तक के जजमेंट्स मिलेंगे। अभी 24 के लिए मैं स्टार्ट करने वाली हूँ, तो आप उसके लिए भी अपडेट हो सकते हो। यूट्यूब सेशन पे ऑलरेडी मैंने एक सेशन लिया है 2024 वाले के लिए, तो मेक श्योर कि आप अपडेट खुद को जरूर रखें। अब हम अगर बात करें कि ट्रेडिशनल सिलेबस को हम कैसे कवर कर सकते हैं, तो ट्रेडिशनल सिलेबस के लिए आप एक लगा सकते हो टाइम, 3 महीना नहीं, सॉरी ये गलत लिख दिया मैंने, जब हम 8 महीने की बात करें तो 8 महीने में आप 5 महीने ट्रेडिशनल सिलेबस को अच्छे से कवर करो, ठीक है। क्योंकि मैंने क्या कहा, जो मैंने 3 चीज़ें स्टार्टिंग में बताई थी कि मेजर टॉपिक्स को कवर कर लो, फिर कंटेम्प्रेरी इशूज को कर लो, फिर उसके बाद आप जो है मिसलेनियस कर सकते हो, वो आपका साथ साथ चलेगा, लेकिन साथ ही साथ आपको अगर कुछ और इम्पोर्टेंट लगता है तो आप वो कर सकते हो। आप एक पैटर्न ये भी फॉलो कर सकते हो कि पहले मैं ट्रेडिशनल कवर कर लूंगा फिर मैं रिसेंट करूंगा। तो इन दैट केस मैं आपसे कहूंगी, अगर आप सेकेंड पैटर्न फॉलो करने वाले हो तो 4:4 का रेशियो रखिएगा, ठीक है। पहले 4 महीने में ट्रेडिशनल वाला पूरा अच्छे से कवर कर लो, अच्छे से। 4 महीना बहुत होता है, बहुत ज्यादा होता है खुद से पढ़ने के लिए। अगर आप 4 महीने अच्छे से कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ोगे तो ट्रेडिशनल टॉपिक आपका पूरा कवर हो जाएगा। आर्टिकल्स को बहुत अच्छे से पढ़ना है, क्योंकि आर्टिकल्स का मेंशन होता है आपके पैसेजेस में, आपको नॉलेज होनी चाहिए उन आर्टिकल्स की कि किसमें क्या पूछा जा रहा है। फिर आपको उनके केस लॉज को रेफर करना ही है, कैसे पढ़ना है, ट्रेडिशनल सिलेबस कैसे कवर करोगे। सबसे पहले बेयर एक्ट होनी चाहिए हमारे पास, तो बेयर एक्ट जब हमारे पास होगी तो बेयर एक्ट से हमें आर्टिकल पढ़ना है, फिर हमें उसी के इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट पे जाना है बुक के थ्रू, ठीक है। हम बुक की मदद से हम उसके कॉन्सेप्ट को समझेंगे, एंड देन हम केस लॉज को बुक से पढ़ेंगे, और फिर अगर हमें ज़रूरत पड़ेगी तो हम ऑनलाइन पोर्टल के थ्रू भी जाएंगे केस लॉज को थोड़ा सा डिटेल में पढ़ने के लिए, और नहीं तो हमारे अन अकेडमी पर आएंगे डिटेल में पढ़ने के लिए, उसकी भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ पढ़ाती हूँ, हाल ही में मैं केस स्टडी लैंडमार्क जजमेंट्स पे शुरू करने वाली हूँ, तो मेक श्योर कि आप उसको ज्वाइन ज़रूर करेंगे। हम फोकस करेंगे क्रोनोलॉजी पे एंड कंसेप्ट पे, ठीक है। हम फोकस किस पे करेंगे, क्रोनोलॉजी पे, कहाँ से शुरू हो रहा है, कहाँ पे ख़त्म हो रहा है, क्या कंसेप्ट है, किस तरीके से कवर होता है, इन सब चीज़ों पे हम फोकस करेंगे। एंड इंटरप्रिटेशन अंडरस्टैंडिंग, इंटरप्रिटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है आपके क्लैट पीजी एग्जाम के लिए। क्लैट पीजी में रट्टाफिकेशन नहीं चलता है, आपको क्या चीज़ कितने अच्छे से समझ में आती है ये इंपॉर्टेंट है। मैंने क्या कहा, शुरू से कनेक्शन समझना पड़ेगा, आप कितने अच्छे से चीज़ों को कनेक्ट कर पाते हो ये बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है आपके क्लैट पीजी के एग्जाम के लिए। तो कोशिश करिए कि जब भी ट्रेडिशनल पढ़ें तो अगर रीसेंट मैंने जैसा कि कहा न्यूज़पेपर से अपडेट रहो, तो आप ऑटोमेटिकली कनेक्ट कर लोगे कि हाँ ये टॉपिक तो मैंने ट्रेडिशनल में पढ़ा था। एंड ट्रेडिशनल में ढूंढना तो टफ नहीं है ना, अगर आप रीसेंट में, मैं कह रही हूँ कुछ भी आज आपने केस पढ़ा, तो फिर आप तुरंत जाइए बेयर एक्ट में, आप उस टॉपिक को ढूंढिए, एंड देन आप इसी तरीके से जो मैंने आपको तरीका बताया है, पहले बेयर एक्ट, फिर बुक, और फिर पुराने केस लॉज, एंड अब जो नया केस लॉज आज की डेट में आपने पढ़ा है, आप उसको पूरा एक कंपाइलेशन करके तैयार कर दो। तो पुराना आपने कभी कहीं से भी पढ़ रहे हैं, अगर आपने नोट्स बना रखे हैं तो वहां पे भी उस रिसेंट केस लॉज को आप स्टिक कर सकते हो, वो ज्यादा बेटर होगा।
क्योंकि रीसेंट जहां बना रहे हो वहां पे पुरानी नॉलेज को लाना थोड़ा सा डिफिकल्ट है, क्योंकि पुरानी नॉलेज हमारे पास ज्यादा है, नई नॉलेज कम है जो आए दिन आती रहती है। हो सकता है आज आज एक केस मिला, अगले अगले एग्जाम तक हमारे कोई केस दूसरा आए ना, और ऐसा भी हो सकता है कि हर दूसरे तीसरे दिन उस पर कुछ अपडेट हो रहा है। तो अगर बहुत ज्यादा अपडेशन है तो फिर तुरंत मत लिखा करिए, ठीक है। जैसा कि मैंने कहा कि इलाहाबाद कोर्ट है या दिल्ली कोर्ट है, मतलब मेन मेन जो हाई कोर्ट है उनका देखो, बहुत छोटी मोटी जो हाई कोर्ट है उनका आपके लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, बड़ी बड़ी कोर्ट्स के लिए इम्पोर्टेंट है प्रोमिनेंट जगह का। नाउ लास्ट थिंग जो मैं आपको बताना चाहूंगी, दैट इज भाई देखिए, कोई भी सब्जेक्ट है, कुछ भी एग्जाम है, कुछ मैटर नहीं करता जब तक कि आपका रिवीजन अच्छा ना हो। आप बहुत पढ़ लिया, आपने सब कुछ कर लिया, आपको लगा मैंने तैयार करके एक तरफ रख दिया है, लेकिन जब तक आप रिवीजन नहीं करोगे तब तक आप सक्सेस के पास नहीं जा सकते, सक्सेस के करीब आप नहीं जा सकते हो। तो कोशिश करिए कि जितना भी आप पढ़ रहे हैं उसको रिवाइज साथ ही साथ करते चलिए। जो मैंने आपसे कहा पीछे का रिवाइज करना बहुत जरूरी है, रीसेंट पढ़ रहे हो आज कुछ नया मिला तो ट्रेडिशनल को रिवाइज करो, ट्रेडिशनल पढ़ रहे हो तो रीसेंट में अगर कुछ भी आया था तुरंत जाके उसको कनेक्ट करो। जितना भी पढ़ते चल रहे हैं आगे बढ़ते जाइए, पीछे का रिवाइज करते जाइए, एंड अपने रिसोर्सेज को लिमिटेड रखिए। अब ये नहीं है कि मैं ये भी पेपर पढ़ लूँ, मैं वो भी न्यूज़पेपर पढ़ लूँ, कहीं ऐसा ना हो कि न्यूज़पेपर में इसमें जो मैंने पढ़ा है उसमें कुछ छूट जाए, फिर मैं ऑनलाइन पोर्टल्स भी दो चार चेक कर लेता हूँ, सबसे मुझे सारी न्यूज़ मिल जाए। नहीं, आप बहुत ज़्यादा नया कुछ नहीं ढूंढ पाएंगे बिलीव मी, क्योंकि आपको अगर ज़्यादा है कि आपको दिक्कत होती है, मैं तो सीधे ये कहूँगी, इफ़ यू आर फाइंडिंग इट डिफिकल्ट ऑन योर पार्ट टू बी अपडेटेड विद न्यू केस लॉज एंड न्यू लीगल अपडेट्स, तो आप सीधे सीधे अन अकेडमी हमारा ज्वाइन करो, हम आपकी हेल्प करेंगे, हम आप तक खुद नए केस लॉज लेके आएंगे जो आपके लिए बेनिफिशियल रहेंगे। तो कोशिश करिए कि आप रिसोर्सेज अपने लिमिटेड रखिए एंड बस उन्हीं के थ्रू आप रिवीजन करिए, ठीक है। ज़्यादा आपको यहाँ पर कुछ भी नहीं करना है। तो ये जो था पूरा स्ट्रैटेजी, ये आपका हो गया कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ को 8 महीने में कवर करने के लिए। मैंने आपको कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ की इंपॉर्टेंस बहुत अच्छे से बता दी, एंड कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ तो सबको आना चाहिए, अगर आप लॉ स्टूडेंट हो तो डेफिनेटली ये पेपर तो आपको आना ही चाहिए, आप इसको स्किप किसी भी कॉस्ट पे नहीं कर सकते हो, क्योंकि ये ग्रैंड नॉर्म है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो मेक श्योर कि आप इस 8 महीने को अच्छे से यूज करें अपने कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ की पढ़ाई में, अपनी क्लैट पीजी की प्रिपरेशन के लिए, साथ ही साथ और एग्जाम्स के लिए। आई होप आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा, अगर पसंद आया होगा तो लाइक जरूर करना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना मत भूलना, एंड अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से पहले सब्सक्राइब कर दीजिए। बाकी इन्फॉर्मेटिव सेशंस आपको मिलते रहेंगे, आने वाले टाइम पे हम लाइव सेशंस भी और कंडक्ट करेंगे केस लॉस पे, तो फटाफट से सब्सक्राइब कर लीजिएगा जिससे कि आपको नोटिफिकेशंस मिलती रहे। सो आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।